तो जीके वाले पोर्शन की आपके बहुत सारी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। नाइन्थ क्लास से जो भी जीके बन सकता है वो स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है, उसे अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। ये आपके पुराने पाठ्यक्रम पर आधारित है और नया पाठ्यक्रम जो है दोनों हम करा देंगे आपको, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके सेकेंड फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड किया जा चुका है, सेकेंड में हम देखने वाले हैं प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है। इसकी प्राचीन सभ्यताएं क्या क्या थी, तो कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता किस जिले की है, ये आपकी जिला हनुमानगढ़ है। इसका नदी दुस्तवती जो नदी है, दुस्तवती इसकी नदी है या सरस्वती नदी, घाघरा नदी जैसे कहा जाता है। ये खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण प्रसिद्ध है, तो इसलिए प्रसिद्ध है ये खुदाई के प्रांत जो यहाँ पे काली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा जो जगह है सभ्यता है, खोज इसकी हुई है अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1952 में। 1961 से 62 में बीवी लाल तथा बीके थापर के उत्खनन कार्य करवाया था, बीवी लाल और बीवी थापर जो थे उन्होंने कालीबंगा का उत्खनन कार्य करवाया था 1961 से 62 के बीच में। यहाँ जो मकान मिले हैं, मिट्टी के ईंटों को धूप में पकाकर बनाए जाते थे, जो मकान मिले हैं मिट्टी की ईंटों से मिले हैं। बर्तनों का रंग लाल है, जो बर्तन मिले हैं वो लाल रंग के मिले हैं, जिन पर काले और सफेद रंग की रेखाएं खींची हुई हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। दो फसलें उगाते थे ये लोग, दो फसलें उगाते थे। कब्रिस्तान मिला है और यहाँ से कब्रिस्तान की भी प्राप्ति हुई है। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज किया जाता था। प्राप्त सामान और क्या क्या सामान मिला है, खिलौने मिले हैं, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, ठीक है, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मुहर भी प्राप्त हुई है। कालीबंगा नगर प्रधान सभ्यता थी, कालीबंगा नगर की सभ्यता कैसी थी, यहाँ की सभ्यता प्रधान थी, ठीक है। नेक्स्ट सभ्यता है इसकी आहड़ सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आहड़ सभ्यता। ये जो पॉइंट है इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जो इसके MCQ हैं वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएं, और इससे मिलते जुलते अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तब भी आपको क्लियर हो, ठीक है। तो इनको पहले आप पॉइंट समझ लीजिए, फिर इसके जितने भी MCQ बन सकते हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो आहड़ सभ्यता में क्या है, इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी है। आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, ताम्रवती नगरी है। जिला इसका उदयपुर है, ठीक है। नदी आहड़ या आयर नदी के किनारे सभ्यता है। उत्खनन कार्य इसका सर्वप्रथम 1953 में अच्छे कीर्ति ब्यास के द्वारा कराया गया था। इसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, AD सांकलिया के द्वारा इसका क्या है, उत्खनन कार्य हुआ है। धातु युगीन सभ्यता नेक्स्ट सभ्यता है, धातु युगीन। इसे इस सभ्यता को धातु युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता एक टीले के नीचे थी, यह सभ्यता कहाँ थी, टीले, जो आहड़ सभ्यता है वो टीले के नीचे, यानी कि आहड़ या ताम्रवती जो है वो एक टीले के नीचे की सभ्यता है, जिसे धूलकोट धूप के में पकी ईंट कहा जाता था। मृतक को आभूषणों एवं गहनों सहित दफनाते थे, ठीक है। यहाँ पे जो मृतक लोग होते थे, मर जाते जो लोग, उन्हें आभूषण और गहनों के सहित दफनाया जाता था। आहड़ लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृत का प्रमुख केंद्र है, जो आहड़ है वो लाल और काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृत का मुख्य केंद्र है। बैराठ, बैराठ क्या है, बैराठ एक सभ्यता है जो जयपुर जिले में स्थित बैराठ कस्बे में की यह सभ्यता है, जयपुर के पास बैराठ कस्बे की सभ्यता है, जहाँ बीजक की पहाड़ी एवं भीम डुंगरी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है यहाँ पर, बीजक पहाड़ियाँ और भीम की डुंगरी यहाँ पर प्रसिद्ध है। महाभारत में इसका उल्लेख
मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञात वास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। ठीक है, मौर्य काल में भी यह सभ्यता प्रमुख केंद्र थी। ठीक है, मौर्य काल में भी यह सभ्यता क्या थी, एक प्रमुख केंद्र थी। यहां से अशोक के दो स्तंभ लेख भ्रागु और बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं। तो ये अवशेष आपको याद रखे हैं कि जो ये अशोक थे इनके दो स्तंभ मिले हैं, भ्रागु और बैराट शिलालेख मिले हैं और बौद्ध का मठ भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, इनके अवशेष मिले हैं। जहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, यहाँ पर 36 चांदी की मुद्राएं एक कमरे में मिली हैं, जिसमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की थी। ठीक है, खुदाई में स्वास्तिक त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घोड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूके, लोहे की कीले एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है यहाँ से। तो इन सभ्यताओं का आपको याद रखना है। सभ्यता के अन्य केंद्र, सभ्यता के जो दूसरे केंद्र हैं वो क्या हैं? इस महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें भीलवाड़ा, जो कि बागौर और ओझियाना, जालौर, भीनमाल जो की है, राजसमंद, पचमता और रंग महल जो हनुमानगढ़ में है, नगरी चित्तौड़, बैराट, बरौर और गंगानगर जो कि बरौर गंगानगर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जोधपुर, जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नूह भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष भी राजस्थान से मिले। अब नेक्स्ट इसमें राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति में क्या है? वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्यों की संतान किसे माना गया है? डॉक्टर गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा तथा सीवी वैद राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। ठीक है, अग्निकुंड से उत्पत्ति। अग्निकुंड से उत्पत्ति किसकी मानी गई है? चंद्र बरदाई, अजमेर के जो शासक थे, पृथ्वीराज द्वितीय का दरबारी विद्वान जो था, ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जो चंद्र बरदाई थी उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। आपके नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है, बहुत पूछा जाता है। तो चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। और जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें ही जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति किससे बताई गई है? अग्निकुंड से बताई गई है। वरिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ के 3 योद्धा उत्पन्न किए थे। जो वरिष्ठ मुनि थे उन्होंने इन राजपूतों से निपटने के लिए यज्ञ से 3 योद्धाओं की उत्पत्ति की थी। ठीक है, जो कि परमार, चालुक और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों रक्षा करने में असमर्थ हो गए, जब ये तीनों रक्षा करने में असमर्थ हुए, तो वशिष्ठ ने चौथे योद्धा उत्पन्न किया, चौथा योद्धा उत्पन्न किया था जो कि प्रथम तीनों से ज्यादा ताकतवर था। नाम उसका क्या था? चौहान रखा गया था, जिसकी उत्पत्ति यज्ञकुंड यानी कि यज्ञ कुंड से हुई थी। ठीक है, ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या माना गया है इसमें? सर्वप्रथम डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागा ब्राह्मणों से बताई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डॉक्टर डी आर भंडारकर जो थे, इन्होंने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति बताई है, जो है नागा ब्राह्मणों से बताई है, और राजपूतों के ब्राह्मण वंशीय होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजौलिया शिला लेख का उल्लेख करते हैं। ठीक है, जिससे वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। डॉक्टर गोपीनाथ वर्मा ने, जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा थे, इन्होंने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति
के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। राजस्थान के ऐतिहासिक लेखक, जो राजस्थान के ऐतिहासिक लेखक हैं, जेम्स टॉन ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंशज हैं। इन्होंने इसको इनके वंशज बताया है राजपूतों को। अब मध्यकालीन राजस्थान के कलिपय उज्ज्वल एवं गौरवशाली पक्ष। अब मध्यकालीन भारत का जो भी गौरवशाली पक्ष है और कतिपय उज्ज्वल है, इसके बारे में हमें बताया गया है। बप्पा रावल, बप्पा रावल 734 से लेकर 753 ईस्वी तक इनका जो टाइम पीरियड हो रहा है। बप्पा द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का था, बप्पा ने क्या चलाया था, सोने का सिक्का चलाया था जो 115 ग्रेन का था। कितने ग्रेन का था, 115 ग्रेन का। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था, ठीक है। और बप्पा की राजधानी क्या थी, नागदा थी। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कौशलपुरी में एक लिंगजी, जो इन्होंने कौशलपुरी में एक लिंगजी, आप जानते होंगे मंदिर, कौशलपुरी में एक लिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया था। गौरी शंकर हीरालाल ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था, ठीक है। बप्पा कालभोज की उपाधि थी, बप्पा क्या थी, कालभोज की उपाधि थी। जैत्र सिंह, अब जैत्र सिंह क्या है, जैत्र सिंह का टाइम पीरियड था 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे पुरानी राजधानी बनाया था। तो जैत्र सिंह जो थे, इन्होंने परमारों से चित्तौड़गढ़ को छीन लिया था और इन्होंने इसको पुरानी राजधानी बना दिया था। 1227 ईस्वी में भूताल के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश की सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था, ठीक है। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ था। भूताला के युद्ध में दिल्ली के जो गुलाम वंश के इल्तुतमिश था, गुलाम वंश का जो सुल्तान था जिसका नाम इल्तुतमिश था, की सेना को परास्त कर दिया था। इसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। तो आप इनके ग्रंथ का नाम याद रखेंगे कि जयसिंह सूरी का जो ग्रंथ है वो हमीदी मद मर्दन इसका नाम है। नेक्स्ट है रतन सिंह। अब रतन सिंह का टाइम पीरियड कितना रहा है, रतन सिंह का टाइम पीरियड 1302 से लेकर 1303 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। तो इनका रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, ठीक है। और 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत, अब पद्मावत किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी, इनका नाम आपको याद रखना है, कब लिखी है, 1540 में, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, जो पद्मिनी थी, इनको बताया गया है। नेक्स्ट है रतन सिंह व उनके सेनापति, रतन सिंह थे, उनके सेनापति गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। जो रतन सिंह थे और उनके जो सैनिक थे वो दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। रानी पद्मिनी थी, उन्होंने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था, ठीक है। इन्होंने कितनी महिलाओं के साथ जौहर किया था, इन्होंने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासन नियुक्त किया था, नियुक्त करके इन्होंने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। चित्तौड़ का नाम बदल क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। रतन सिंह मेवाड़ की गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। जो रतन सिंह थे वो इसके अंतिम शासक हो गए थे क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है राणा हमीर जो है, इनका टाइम पीरियड कितना रहा है, 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक
राणा हमीर का शासन रहा है। सिसोदा ठिकाने के जो सिसोदा थे, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने, जो ये क्या थे, सिसोदा ठिकाने के जमींदार थे, जिन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। हमीर को मेवाड़ का के उद्घाटन भी कहा की संज्ञा भी दी जाती है। हमीर को विषम घाटी, जो हमीर जो थे इन्हें विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से भी दी जाती है। महाराणा लाखा जो था, इनके टाइम पीरियड कितना था, 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा है। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना था, ठीक है, मेवाड़ के शासक बन गए थे। मारवाड़ के रणमल, जो मारवाड़ जो है यहाँ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूणा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हुआ था। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्री होगा, जिसके लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा था, ठीक है, इनके पुत्र को राज्य अधिकार नहीं मिला था, इन्हें वंचित होना पड़ा था, जबकि ये इसके योग्य थे। इसके बावजूद भी चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पिता भी कहा जाता है। जो चूड़ा थे इन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो ये चूड़ा को कहा जाता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर तक रखते हैं, आगे के आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।